तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द व्लॉग। और गाइस आज है रमजान का 18वां दिन और आज सहरी के लिए काफ़ी लेट उठे हैं। अभी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं सहरी ख़त्म होने में, तो जल्दी चलते हैं, पहले सहरी कर लेते हैं। और सहरी में आज वही पहले तो सवाई मिल्क खाएंगे, और कल लेकर आए थे हम जैम ब्रेड, तो आज जैम ब्रेड भी खाएंगे सहरी में। तो जल्दी खा लेते हैं, नहीं तो वक्त निकल जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे फजर की नमाज़ पढ़ने। यहाँ पर जिनत ब्रेड में जैम लगा रही है, ज़्यादा ज़्यादा लगा लिया इसमें तो, बहुत इतना ज़्यादा लगाएगी फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में ही। ये देखो गाइस पूरा डब्बा ही। सो गाइस अभी इसे एकदम सैंडविच की टाइप में बना दिया है, देखो दोनों में लगा दिया है, दोनों ब्रेड में जैम भर के एकदम मस्त है। अब इसके बाद थोड़ी सी सवैया खा लेते हैं, फिर पानी पी के अपना रोज सहरी मुकम्मल करते हैं। तो गाइस अभी सहरी का वक्त पूरा ख़त्म हो चुका है, जैसे ही मैं सवैया उठाने वाला था तैसे ही ऐलान हो गया, इसलिए जल्दी से मैंने नीयत बांध ली। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ ब्रेड और जैम से हमारा सहरी हुआ है आज, क्योंकि लेट उठा था ना, साइज जाहिर से बात लेट हुए थे, इसी चक्कर में पूरा नहीं हो पाया। बाकी अभी थोड़ी देर में चल रहे हैं, जब अजान हो जाएगी फजर की तो चल देंगे फिर मस्जिद नमाज़ पढ़ने फजर की। सो गाइस अभी अजान हो रहा है और जल्दी से चलते हैं मस्जिद फजर की नमाज़ पढ़ने। सो गाइस अभी फजर की नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं और जीनत भी कुरान शरीफ पढ़ रही है, उसने भी कुरान नमाज़ पढ़ लिया है। और अभी गाइस मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ और करीब उठूँगा 1.5-2 घंटे बाद, क्योंकि भाई रात को नींद पूरी होती नहीं, क्योंकि लेट सोते हैं हम, करीब भाई 2-2.5 घंटे सोते हैं, तो 2-2.5 घंटे और सो लेते हैं फिर उठता हूँ आपसे। सो गाइस अभी हो चुकी है दोपहर और बाहर काफ़ी तगड़ी वाली धूप हो रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है, बिना पंखा चलाया तो चैन नहीं मिल रहा। बाकी आज है जुम्मा, तो अभी जुम्मा पढ़ने भी जाना है, तो पहले तो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मस्त नहा के कपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं जामा मस्जिद। बाकी आज हमारे जिस मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ पर 2 बार जमात खड़ी होगी, तो हमें सेकंड जमात में जाना है। हाफिज़ जी ने हमें पर्सनली बुलाया सेकंड जमात में आने के लिए, तो इसलिए हम सेकंड जमात में चलेंगे, इसलिए अपने पास काफ़ी वक्त है। सो गाइज़ मैं तो मस्त नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी तो खैर आधा घंटा है जमात में, लेकिन मैंने पहले ही रेडी हो चुका हूँ, क्योंकि भाई फिर एंड टाइम पे अगर रेडी होने लग जाओ तो काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं बीच में और फिर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट करनी पड़ती है, इसी चक्कर में पहले ही रेडी हो चुका हूँ। और अभी आधे घंटे बाद निकलेंगे जुम्मा की नमाज़ पढ़ने और ये रमज़ान का तीसरा जुम्मा होने वाला है। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि वक्त हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। बस फाइनली जुम्मा की नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ और आप सभी को जुम्मा मुबारक। खैर ये था रमज़ान का तीसरा जुम्मा और अभी एक जुम्मा और बाकी है, पूरे रमज़ान में 4 जुम्मा थे। आज है रमज़ान का 18वां रोज़ा और अभी तो सिर्फ 12 रोज़ा बाकी हैं, बाकी अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है हम जाएँ ईद की तैयारियाँ करने लग जाएँ और कपड़े वगैरह लेकर आएँ। बाकी आज तो मैं इस बार तो मैं लेकर आऊँगा काफ़ी तगड़ा वाला कुर्ता पजामा, और वो भी अलविदा के लिए, बाकी ईद के लिए देखते हैं क्या मिलता है, जो पापा लेकर देंगे भाई माशाल्लाह रहेगा। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं पापा के ऑफिस पे और अभी मेरे को करीब 2 घंटा तो यहीं बैठना पड़ेगा जब तक असर का वक्त हो ना जाए, क्योंकि पापा के इंपॉर्टेंट काम से बाहर और यहाँ पर काफ़ी ठंडा है, क्योंकि मस्त पंखे चल रहे हैं दो और गेट वगैरह बंद है, लाइट वगैरह बंद है, और शांति से यहाँ पर आराम करता हूँ 2 घंटे तक असर के वक्त तक, फिर उसके बाद पापा तो आ ही जाएंगे, फिर चलेंगे मस्त असर का नमाज़ पढ़ने और उसके बाद करेंगे इफ्तारी की तैयारी। A few moments later. अभी वक्त हो चुका है असर की नमाज का और मौसम काफ़ी मस्त हो चुका है, वैसे तो जोहर में काफ़ी तड़कती धड़कती धूप थी, लेकिन अभी एकदम ऐसा मौसम हो गया है कि जैसे अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगा भाई, और हवा भी चल रही है काफ़ी मस्त वाली, तो जल्दी चलते हैं असर की नमाज़ पढ़ने। मौसम देखो गाइस थोड़े बहुत बादल हो रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत ही बादल हो रहे हैं, हल्के फुल्के काले से हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद बारिश होना शुरू हो जाए। तो खैर बाहर तो खैर काफ़ी तगड़ी वाली मौसम हो रखा है और तूफान चल रहे हैं इधर उधर, बाकी अभी थोड़ी देर में हो सकता है बारिश हो काफ़ी केड़ा वाला, लेकिन इधर देखिए हमारी इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है, अम्मी पकौड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया अम्मी ने, बाकी अभी थोड़ी देर में हम फ्रूट्स कट करेंगे और उसके बाद इफ्तारी करेंगे, और हो सकता है कि इफ्तारी के बाद ही बारिश शुरू हो जाए। गाइस इधर देखो अब चल रहा है खतरनाक वाला एकदम तूफान, ये देखिए पूरा धूल ही धूल उड़ रहा है, साफ कुछ दिख ही नहीं रहा, कैमरे में ज़्यादा धूल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन भाई साहब रियलिटी में देखो एकदम धूल ही धूल हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला तूफान चल रहा है, इधर लग रहा है काफ़ी तगड़ी बारिश होगी, इधर देखें नीचे। तो गाइस मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए हैं और आज कम फ्रूट्स थे, मतलब ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, देखिए 4 फ्रूट्स ही थे, वैसे कचरी है, बाकी अम्मी कबाब वगैरह बना रही हैं, और आज हाँ और आज
आज पापा का रोजा नहीं है, बाकी सबका है। पापा का रोजा किस लिए नहीं बताइए जरा? पापा का दवाई चल रहा है। यस, और जान का मेरा और इन भाई साहब का भी रोजा नहीं है, रोजा है। और ये देखिए गाइस, चना तो आ ही चुका है और अभी अम्मी इधर बना रही हैं हमारे फेवरेट चिकन के कबाब। कल नहीं बना था लेकिन अम्मी ने आज पूरा 1 किलो चिकन मंगाया है और बना रही है कबाब। और इधर प्याज की पकौड़ी तो कंप्लीट बन चुकी है एकदम। गाइस मस्जिद के लिए भी इफ्तारी हमने निकाल ली है, ये देखिए निकाल लिया थोड़ा बहुत। अब जा रहे हैं इसे मस्जिद देने, स्कूटी से जल्दी देकर आते हैं, लेकिन अभी वक्त है, अभी काफ़ी वक्त है तो भी जल्दी देकर आते हैं। हाँ देकर आते हैं पहले। और जिहान और जिशान अब्दुल के पास रुक जाएंगे। नहीं जिहान रहेगा, जिसान को भेजाएंगे, जिसान के अबू के पास छोड़ आएंगे मस्जिद। मैं जिसान को भी लेके जा रहा हूँ मस्जिद में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है चलो चलो आगे बात करते हैं। नहीं चलो अंदर अंदर चलो चलो आगे चलो आगे चलो यार। और पिटे तो गाइस मस्जिद में इफ्तारी देकर आ चुके हैं और उसके साथ साथ मस्जिद में काफी बिरयानी भी आई थी, तो बिरयानी भी हाफिज जी ने दे दी थी। ये देखिए वहाँ पे एक भैया तो उन्होंने दी थी। अच्छा भैया ने दी थी, अब्बू थे, अब्बू ने डलवा लिया था। अच्छा तो इफ्तारी के बाद बिरयानी भी खाएंगे इंशाल्लाह। गाइस पूरा दस्तरखान एकदम तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए हमारे फेवरेट कबाब आलू के, वो आलू के कबाब कह रहा हूँ, चिकन के कबाब। और इधर फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रेडी है और आज हमने रुआबजा ज्यादा बनाया है क्योंकि सबको प्यास लग रही है। मुझे पानी पीना है, रुआबजा पीना मेरा फेवरेट है। तुम्हारा तो सब फेवरेट है। खाने के लिए हाथ धोती है भैया, उधर गिरा रखा है, वहां से भी निकाल दे। पहले डालो चलो। उठाना मेरा है। तो गाइस तरावी और ईसा की नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं और अभी वक्त हो चुका है खाना खाने का। और आज अम्मी ने बनाया है चिकन और आज मेरा प्लान था कि आज हम भाई बहन बाहर जाके खाते हैं, लेकिन अम्मी ने जब घर पे ही बना लिया तो बाहर जाने की जरूरत क्या है। तो चलिए घर पर ही खाना खाते हैं मस्त चिकन और फिर उसके बाद सो जाएंगे आराम से, फिर कल सुबह सहरी में जल्दी उठना है। देखिए गाइस हमारा फेवरेट चिकन आ चुके हैं, चिकन चावल थोड़ा सा और रोटी, तो इसे खाते हैं मस्त। A few moments later. मस्त खाना खा लिया और खाना खाकर तो मजा ही आ गया। आज तो चिकन बना था, कैसा लगा चिकन? बढ़िया बढ़िया, हमारे फेवरेट जो है। आज के लिए बस इतना ही और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो एक लाइक का बटन दबा देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई को सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन एकदम फ्री है तो सब जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो और भाई को सपोर्ट करो। फिर मिलते हैं तो मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और दुआ में याद रखना।